उसे सूंघा फिर दर्द भरे लहजे में कहा ओह ओह ये वो जगह है जहां एक जमात शहीद की जाएगी वो सब के सब बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे अस्सलाम व बरकातहू दोस्तों करबला में शहीद होने वाले हस्तियों के मर्तबा शान क्या है आइए कुरान और हदीस की रोशनी में सुनते हैं और साथ ही ये भी सुनते हैं मौलाना अब्दुल हबीब अतरी साहब से कि करबला में सबसे पहले शहीद होने वाले वो खुश नसीब कौन हस्ती है सो दोस्तों चलिए सुनते हैं कि करबला के, के सारों को सलाम फातिमा जहरा प्यारों को या हुसैन बिले अली मुश्किल कुशा आपके सब जान सारों को जो हुसैनी काफले में थे शरीक कहता है अतार सारों को तो ये अजीम काफिला था और सुबहानअल्लाह अल्लाह करीम की बहुत सारी आयात में इस तरह अल्लाह की राम में कुर्बानी देने वालों के फजा कैसे बयान हुए अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में इन्हें सताया गया और उन्होंने जिहाद किया और कत्ल कर दिए गए तो मैं जरूर उन सब उनके सब गुना उनसे मिटा दूंगा वाहु हुस्नु सवाब और जरूर उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं ये अल्लाह की बारगाह से अजर है और अल्लाह ही के पास अच्छा सवाब है इससे मालूम हुआ जिन्होंने दीन की खातिर अपना घर बार छोड़ा अल्लाह पाक की राब सताए गए रब के दुश्मनों के साथ जंग की और शहीद कर दिए गए अल्लाह उन्हें जन्नत के बागात में दाखिल फरमाएगा कैसे बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हैं अल्लाह एक और वाकया सुने ये करबला वाले जो शहीद हैं इनका मर्तबा कैसा है जंग से फीन का मौका था मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अलीतजा शेर खुदा करमुल करीम मैदान करबला से गुजरे आपने नमाज फजर अदा की फिर उस मैदान से मिट्टी की एक मुठ्ठी भरी उसे सूंघा फिर दर्द भरे लहजे में कहा ओ, ओ, ये वो जगह है जहां एक जमात शहीद की जाएगी वो सब के सब बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे अली को ये भी पता था कि कहां करबला का वाक्य होगा कौन शहीद किए जाएंगे और मर्तबा क्या होगा कि सब के सब बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अब जरा इस वाक्य में कुछ ऐसी शहादतें भी हुई हैं जिससे जान के और अहल से मोहब्बत के ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है सबसे पहले करबला के मैदान में किसको शहादत मिली ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल भी बनता है हजरत मुस्लिम बिन आउ सजा थे इनका नाम था हजरत मुस्लिम जो सबसे पहले शहीद हुए आप यजीदी फौज में उतरे अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए ज़ख्म खा कर जब जख्मी हो गए काफ़ी ज्यादा तो इमाम हुसैन अपने उस दीवाने के पास पहुँचे जिसम जख्मी है खून बह रहा है दम लबों पर है आखिरी सांसें हैं इमाम आली मकाम जब उनके करीब पहुँचे तो एक और सहाबी हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर सहाबी रसूल के गालिबन ये बेटे थे ये भी साथ थे हजरत हबीब ने फरमाया ए मुस्लिम ए मेरे दोस्त तुम्हें शहादत मुबारक हो हैं शहादत का रुतबा पाकर जन्नत में जा रहे हो तो हजरत मुस्लिम बिन औसजा जिनकी आखिरी सांसें चल रही हैं पता है वो हजरत हबीब से क्या कहते हैं कि ए हबीब तुम्हें मेरी वसीयत है मेरे इमाम की हिफाजत करना शहीद हो जाना मगर मेरे इमाम को आँच नहीं आने देना खुद जा रहे हैं और अपने दोस्त को क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हारी ड्यूटी है इस तरह इन अल्लाह वालों ने अपनी जाने इमाम आली मकाम और उनके इनके घराने आने पर कुरबान्ला के नाम पर कुर्बान की एक और वाकया हजरत वहब ये बनू कल्ब कबीले के एक नौजवान थे इनके वालिद वफात पा चुके थे बूढ़ी बेवा माँ थी माँ के इकलौते बेटे थे और अभी तो शादी को सत्रह दिन हुए थे हैं बड़ा खुशियों के दिन होते ना जो अर्ली मैरिज के जो डेज होते हैं सत्रह दिन शादी को हुए थे अम्मी जान रोते रोते आती हैं बेटा कहता है अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं कहा बेटा मुझे तेरी जुदाई तो बर्दाश्त नहीं है मेरी आंखों का तो नूर है मगर बेटा हमारा उनका गांव करबला के करीब था बेटा करीब ही करबला के मैदान में जिगर गोशाए बतूल बीबी फातिमा के गुलशन के फूल इमाम अपने काफ़ले वालों के साथ आए हैं यजीदियों से मुकाबला है बेटा ये कैसे हो सकता है कि हम अपने घर में रहें और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नवासे शहीद कर दिए जाएं मैं तेरी जुदाई बर्दाश्त तो नहीं कर सकती मगर बेटा मेरी ये ख्वाहिश है कि जब रब ने मुझे बेटा दिया है तो मेरा ये जवान बेटा इमाम हुसैन के कदमों पर कुरबान हो जाए वो बेटा कहता है कि मैं ज़रा अपनी बीवी से बात कर लूँ माँ कहती है, बेटा बीवी से बात करेगा तो बीवी ने कहाँ इजाज़त देनी है औरत तो नाकिसक़ल होती है कहता माँ बस आपने इमाम हुसैन की मोहब्बत की बात ऐसी दिल में कर दी है अब बीवी रोकना चाहे भी तो नहीं रोक सकेगी लेकिन उस बेचारी की ज़िंदगी मेरे साथ वाबस्ता है मैं कुछ उससे बातें कर लूँ बीवी को जाकर कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान होने जा रहा हूँ अब जन्नत में मुलाकात होगी मुझे माफ़ कर देना मैं ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजार ना सका सिर्फ़ सत्रह दिन गुजारे हैं वो बीवी कहती है अगर ऐसी बात है अहले बैत पे कुर्बानी की बात है तो खुशी खुशी जाइए बस एक वादा कर लीजिए क्योंकि आज आपने शहादत पानी है इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान होना है उनके नाना जान ने तो आपकी शफात कर देनी है कल कयामत के दिन और जन्नत में आपको बहुत सारी हुए मिलेंगी मुझे अपना साथ जरूर रखिएगा यह वादा करके जाइए कि जन्नत में आप मुझे अपने साथ रखेंगे उस सत्रह दिन के दूल्हे ने अपनी नई नवेली दुल्हन से यह वादा किया अल्लाह अकबर तलवार उठाते हैं इमाम हुसैन रदी

उस बूढ़ी माँ की तरफ उछाला जब बूढ़ी माँ ने जब वो अपने बेटे का सर उठाया अल्लाह अकबर वो कैसी माँ थी वो कहती है अपनी झोली में वो सर रख कर कहती है ऐ मेरे बेटा अब तेरी माँ तुझसे राजी है अब वो सर उसने दुल्हन को दिया उस दुल्हन उस नई नवेली दुल्हन ने जब वो सर अपनी गोद में रखा उसी वक्त झुरझुरी ली और उसकी रूह कफ से उन सरी से परवास कर गई उसकी बीवी भी बी उस पर निसार हो गई अल्लाह अकबर सर खुर इसे कहते हैं राह हक में सर खुरुई से कहते हैं सुर खुरुई से कहते हैं कि राह हक में सर के देने में ज़रा तूने तमुल न किया मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ये है वाकयात करबला ऐसे ऐसे वाकयात हैं और ऐसी ऐसी कुर्बानियां हैं कि अकल हैरान हो जाती है तो दोस्तों बयान को आपने सुना उम्मीद करते हैं ये बयान आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों और ये भी याद रखिएगा करबला में शहीद होने वाला पहला बुजुर्ग हस्ती हजरत मुस्लिम बिन अ सजा हैं सो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं किसी और वीडियो में और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें वालेकुम आलकम वल्ला